भेड़पुर नाम के गांव में पैदल नाम का एक आलसी बकरी वाला रहता था। पैदल के पास दो बहुत ही बड़ी और खूबसूरत बकरियां थी। वो रोज उन्हें जंगल में चराने के लिए लेकर जाता था। वो बकरियां खुद से ही जंगल में घूमकर घास खाती थी और पैदल किसी न किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता था। पैदल की बकरियों के ऊपर एक कसाई का नजर बड़े लंबे समय से थी। वो बकरियां बड़ी होशियार होने की वजह से उस कसाई के लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसके हाथ नहीं लगी थी। अजके से भी करके इन बकरियों को चुराना ही होगा मुझे। ये कहते हुए हमेशा की तरह एक नई योजना बनाकर पैदल की बकरियों को पकड़ने के लिए जंगल में जाता है वो कसाई। मुझे पता था ये हमेशा की तरह सो ही रहेगा। अब मैं इस जाल की मदद से उन बकरियों को पकड़ता हूँ। ये कहते हुए बिना आवाज किया उन बकरियों को पकड़ने की कोशिश करता है, इस डर से कि कहीं पैदल ना उठ जाए। घबराहट में वो रस्सी का एक हिस्सा उस बकरी का पैर पर बांधता है तो, और दूसरा हिस्सा खुद के पैर पर। अब दूसरी वाली को पकड़ता हूँ। ये कहते हुए एक कदम चलते ही कसाई गिर जाता है। उसे ऐसे करते देखकर दूसरी बकरी बड़े गुस्से में आकर उस कसाई को खूब मारती है। क्यों शोर मचा रहे हो, बहुत खा लिया, चलो अब घर चलते हैं। ये कहते हुए पैदल अपनी बकरियों को लेकर घर चला जाता है। लेकिन शोर मचाने की वजह से जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने उन बकरियों को देख लिया था और वो उनका पीछा करते करते घर तक पहुंच जाते हैं। खाना बन गया तो लगा दो, बहुत भूख लग रही है। आप बकरियों को तबेले में छोड़कर मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं खाना लगा दूंगी। ये कहते हुए पैदल की पत्नी घर में चली जाती है। पैदल और उसकी पत्नी हर रोज की तरह अपना शाम का वक्त गुजार रहे थे। लेकिन उसकी शाम बिगड़ने के लिए कुछ लोग वहाँ तैयार बैठे थे। उस कसाई और उन जंगली जानवरों को अंधेरा होने तक का इंतजार था। जैसे ही अंधेरा होता है, एक तरफ वो जानवर और दूसरी तरफ से वो कसाई उन बकरियों को चुराने और खाने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर वो बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर पैदल और उसकी पत्नी, एक बार जाकर देखिए तो बकरियां इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? वो आज सुबह से ही ऐसे ही बर्ताव कर रहे हैं। ध्यान मत दो उन आवाजों पर। ये कहकर पैदल भी चुप हो जाता है और उसकी पत्नी को भी चुप करवा देता है। अगर हम अपने आलसी मालिक के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये तो इस कसाई के हाथ खीमा बन जाएंगे या फिर ये जानवर हमें लोच काएंगे। तुम सही कह रहे हो, मेरे पास एक उपाय है। ये कहते हुए वो बकरी तबेले में रखे चिराग को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। तबेले में घास होने की वजह से आग जल्दी पकड़ लेती है और बकरियों के साथ अब वो कसाई और जंगल जानवर भी फंस गए थे। अब ये क्या कर दिया बेवकूफ, बचाओ बचाओ। वो आवाज सुनकर पैदल की पत्नी उसे बाहर चलने के लिए कहती है। होगा कोई चल जाएगा, रहने दो, तुम मुझे परेशान मत करो। इतना आलसीपन भी ठीक नहीं है, चलो अब मेरे साथ। ये कहते हुए पैदल को उसकी पत्नी बाहर खींच कर ले आती है। वहाँ पर आग के दुबा की वजह से तबेले में फंसे जीवों का दम घुट रहा था। आग को देखकर पैदल अपना आलस छोड़कर भागकर जाकर तबेले के द्वार पर पानी डालकर रास्ता साफ कर देता है। रास्ता मिलते ही वो जानवर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो कसाई भी इसी चक्कर में था, लेकिन पैदल उसे पकड़ लेता है। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी तुम्हारे बकरियों के पास नहीं आऊंगा। यहाँ आओ मेरे बकरियों, तुम दोनों सच में काफी होशियारी हो,
शाबाश। और मैं भी आज के बाद कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा रहा। हाँ, लेकिन अपना आलसीपन तो छोड़ोगी ना? उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तुम नहीं सुधरोगे। राजकोट नाम के गांव में चरण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे लगता था कि हर बात का ज्ञान सिर्फ उसे ही है और वो बात पर काफी घमंड भी करता था। इसी आधे अधूरी ज्ञान में ये वो काम करके परेशानियों में फंस जाता था, लेकिन तभी भी उसे अकल नहीं आती थी। अबे वो चरण, तू यहाँ पर तो बैठता हुआ है, बकरियाँ आपस में लड़कर एक दूसरे का खून निकल रहे हैं। तुम उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हो? उन्हें पालने वाले आप हो, उन्हें बेचकर पैसे कमाने वाले भी आप ही हो। मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे बड़े लोगों की एक बात याद आ गई थी, जिसका काम उसी को साजे। तू और कब सुधरेगा रे? हाय ऊपर वाले। लालू प्रसाद का बकरियों का व्यापार था। उसके पास हमेशा गोश्त ताजा रहता था, इसीलिए उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलता था और आसपास के सभी लोग उसी से खरीदने के लिए आते थे। ऐसे वो अपने व्यापार पर जाते वक्त अपनी कुछ बकरियां चरण को संभालने के लिए देकर अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। इतने में चरण बीच रास्ते में बकरियों को छोड़कर पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी के पास जाता है। प्रणाम गुरुजी, आपकी शिक्षा की वजह से ही आज मैं इतनी समझदार बन पाया हूँ। गुरुजी, वो भी मैं? बात पढ़ा था, मैं तो अभी अभी इस गांव में आया हूँ। जितने समय में ये दोनों बात कर रहे थे, उतने समय में चरण को सौंपनी हुई बकरियाँ इधर से उधर भागने लगती है। उन्हें ऐसे देखकर लालू प्रसाद, अरे रे रे, बकरियों को संभालने के लिए कहा तो वहाँ पर जाकर बातें कर रहे हो? वैसे भी तुम्हें काम कहने के लिए मुझे खुद को कहना चाहिए। ऐसी बात नहीं है पिताजी, वो बिल्कुल हमारे अध्यापक जैसे लग रहे थे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि बड़े लोगों का आदर करके प्रणाम करना चाहिए, बस उसी लिए ही गया था। लेकिन अजीब बात है कि वो हमारे अध्यापक नहीं है। अबे तेरी तो, तू जिंदगी में स्कूल ही कब गया था जो अपना अध्यापक को पहचान कर प्रणाम कर रहा है? काम से बचाने के लिए ये वो बहाने मत बनाओ, निकलो यहाँ से अब। ये कहते हुए चरण को वहाँ से बेचकर लालू अकेला ही सारी बकरियाँ को इकट्ठा करके अपनी दुकान लेकर जाता है। ऐसी थी चरण की परिस्थिति। क्या बात है लालू प्रसाद, तुम्हारी दुकान में गोश्त अच्छा रहता है, इसलिए इतनी दूर से आने पर तुम आसमान छूने वाले दाम बता रहे हो? दाम तो हर जगह बड़े हुए हैं जग्गू भाई, अब मैं पुराने दाम में बेचूंगा तो मेरा गुजारा कैसा होगा? वैसे भी जैसा दाम है गोश्त भी तो वैसे ही ताजा ताजा है ना। इसीलिए तो कुछ सुंदर से घूम फिर कर तुम्हारे पास आए थे। ठीक है, दे दो अब। ऐसे बहुत ही ईमानदारी से अपना व्यापार करता था लालू प्रसाद, और एक दिन अचानक से उसे बहुत ही जरूरी काम से शहर जाना था, इसीलिए वो। चरण, मुझे एक जरूरी काम से 2 दिन के लिए शहर जाना है, और अगर 2 दिन तक दुकान बंद रहेगी तो व्यापार में काफी नुकसान होगा, इसीलिए बिना कोई काम किए सिर्फ 2 दिन के लिए दुकान संभाल लो। अब चिंता क्यों करते हो पिताजी, अब आराम से जाकर अपना काम खत्म करके आइए। ये कहते हुए अपने पिता को भरोसा दिलवाता है और उन बकरियों को लेकर दुकान चला जाता है। तुम्हारे पिता नहीं है इसीलिए तुम दुकान पर आए हो चरण? ठीक है, लेकिन तुम तो 2 रुपए कम करके दे दो। ठीक है चाचा जी, 1 किलो के 1000 रुपए होते हैं,
लेकिन मैं आपको सिर्फ 999 में दूंगा। क्या 1000 रुपए? तुमसे तो तुम्हारे पिताजी ही काफी बेहतर है, वो ईमानदारी से देते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। इसका मतलब पिताजी पता नहीं किस किस को कम दाम में दे रहे हैं। ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे देर सारा लाभ कैसे आएगा? पिताजी के लौट कर आने से पहले ही सारा व्यापार को बदल देना होगा। ये कहते हुए उस दिन काम करना छोड़कर दोपहर तक सोचता हुआ बैठ जाता है चरण। दोपहर को उसे एक अच्छा उपाय मिल जाता है। ऐसे किए बिना उसे कम दाम में गोश्त नहीं बेच सकता हूँ मैं। ये कहते हुए उनकी सारी बकरियों को एक जगह पर इकट्ठा करके एक हवा भरने वाला पंप लेकर आकर उन सब में पंप से हवा भरता है और वो बकरियाँ बड़ी होने लगती हैं। उसके बाद आइए भाई आइए, विशाल मटन है। साधारण बकरी का दाम 1000 रुपए है, लेकिन इस विशाल बकरी का दाम 15 किलो सिर्फ 10000 रुपए का है। इसमें आपको 5000 मुनाफा होगा। इस प्रस्ताव नहीं लिया तो बड़ा पछताओगे। वो बातें सुनकर सब लोग उन विशाल बकरियों को ही खरीदने की मांग कर खरीद रहे थे, लेकिन उन्हें घर ले जाकर काट कर पकाने के लिए देखा तो वो गोश्त सिर्फ 5 से 6 किलो तक ही निकल रहा था। असल में बात क्या है ये बात जानने के लिए सारे लोग दूसरे दिन चरण की दुकान के पास जाकर देखा तो वो अपनी बकरियों में हवा भर के बड़ा कर रहा था। वो देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम हमें ही धोखा दे रहा था, तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए सब मिलकर चरण को पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर लालू प्रसाद आता है और चरण को पीटते हुए देखकर, रे रे रे, क्या बात है, क्यों हमारे बेटे को पीट रहे हो? गांव के लोग सारी बात लालू प्रसाद को बताते हैं। उनकी बात सुनने के बाद लालू प्रसाद अपने बेटे चरण की तरफ से सबसे माफी मांगता है। लालू की ईमानदारी सबको पता है, इसीलिए सब चरण को माफ कर देते हैं। कोई भी गड़बड़ करने से मना किया था ना रे? जो भी हो, अब तो अकल आया ही होगा तुम्हें। इस प्रस्ताव नहीं लिया तो बड़ा पछताओगे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना पिताजी, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब चिंता मत कीजिए, कल से बकरियों में हवा कैसे भरते है मैं आपको बता दूंगा। इतना सब होने के बावजूद भी उसके बेटे को अकल नहीं आई है, ये बात जानकर वही बेहोश हो जाता है लालू प्रसाद।